हेलो स्टूडेंट, मैं महेश कुमार, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने पीछे के वीडियो में मैंने बताया था कि एक्सेल के अंदर अटेंडेंस शीट बनाई थी आप लोगों ने, तो अगर आप लोगों ने पीछे का अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग एक बार जरूर देखें कि पीछे की वीडियो में आप लोग को अटेंडेंस शीट बताई गई है। जो आप लोग पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि एक अटेंडेंस शीट, डायनेमिक अटेंडेंस शीट आप लोग को बनाना बताया था मैंने। बहुत सारे फंक्शंस आप लोग को उसमें एक्टिवेट करके बताए थे कि एक डायनेमिक अटेंडेंस शीट ऑटोमेटिक आप लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं डाल दूंगा और आई बटन में भी आप लोग को यहाँ पर इसका वीडियो डाल देंगे, तो आप लोग उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद में अपन लोग बात करेंगे सैलरी शीट के बारे में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, अपने पास टॉपिक होने वाला है, वो अपने पास टॉपिक है सैलरी स्लिप फॉर्मेट। मतलब आप लोग एक सैलरी स्लिप बनाना चाहते हैं कि हम लोग जैसे प्रेजेंट और एब्सेंट लगाते हैं, वैसे ही अपने पास प्रेजेंट एब्सेंट लगाएं। सैलरी स्लिप अपने पास बनाएंगे तो जो अपने पास अटेंडेंस शीट जो बनाई है अपन लोगों ने, उस अटेंडेंस शीट फॉर्मेट पे ही अपने पास सैलरी स्लिप बनेगा। तो जैसे अपन लोग यहाँ पर अटेंडेंस शीट बनाया है, उसमें अपन लोग एब्सेंट करेंगे या उसकी हॉलीडे की छुट्टी आएगी या वो प्रेजेंट रहेगा, तो उसके बाद ऑटोमेटिक अपने पास उसकी सैलरी बनके तैयार हो जाएगी। चाहे उसका एचआरए कटा हो, चाहे उसको एक अगर एचआरए मिलता हो, या फिर उसको पीएफ वगैरह कटता हो उसका, या फिर उसकी एब्सेंट की सैलरी कटती हो, तो वो कट कटा के अपने पास जो सैलरी बचती है अपने पास, मतलब जो बंदा अपने पास इन हैंड सैलरी लेके जाएगा, मतलब हाथ में जो सैलरी लेके जाएगा अपने घर पे अपने परिवार के लिए, उस स्लिप के बारे में बात कर रहे हैं अपन लोग। वो बनती कैसे है, अटेंडेंस शीट से ऑटोमेटिक डायनेमिक कैसे काम करती है। तो आज का जो फॉर्मेट होने वाला है वो अपने पास होने वाला है सैलरी स्लिप फॉर्मेट। मतलब इस वीडियो को आप लोग स्किप ना करें, पूरा देखें, जैसे टाइम मिले आप लोग पूरा वीडियो को देखें, और इससे पहले वीडियो आप लोग जरूर देखें, क्योंकि अटेंडेंस शीट के बिना सैलरी स्लिप बना आप लोग का पॉसिबल नहीं है, बन पाएगी अपने से तो नहीं बन पाएगी। आप लोग पहले अटेंडेंस शीट बनाओगे तभी आप लोग की सैलरी स्लिप बन के तैयार होगी। तो इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस आप लोग इस्तेमाल करेंगे और इसे डायनेमिक तरीके से आप लोग इस्तेमाल करेंगे, ताकि वहां पर आप लोग एब्सेंट लगाए तो ऑटोमेटिक अपने पास सैलरी स्लिप के अंदर सैलरी तैयार होके कैसे मिल जाए, ताकि आप लोगों को कागजों में कोई काम ना करना पड़े। तो आप लोग चलिए आइए बात करते हैं आप लोग अपने सैलरी फॉर्मेट के बारे में। तो देखिए कुछ पीछे का थोड़ा सा एक बार फॉर्मेट मैं बता देता हूं आप लोग को कि ये अटेंडेंस शीट आप लोगों ने बनाई थी, पीछे के वीडियो में पढ़ा रखा है मैंने, आप लोग एक बार पूरा अटेंडेंस शीट का वीडियो देख लीजिए, ताकि आप लोग को अटेंडेंस शीट भी बनाना आएगा, उसके बाद ही आप लोग सैलरी शीट बना सकते हैं। तो ये अटेंडेंस शीट बनाई थी। इस अटेंडेंस शीट के अंदर देखिए आप लोग देख रहे हो, ये कैंडिडेट अपने पास मैनेजर है। इस मैनेजर की पोस्ट पे आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो प्रेजेंट लगा हुआ है, और कई जगह अपने पास यहाँ पर एब्सेंट लगेगी, बंदा छुट्टी पे रहता है, तो उसकी सैलरी कैसे कटेगी अपने पास, वो प्रेजेंट कितने दिन रह रहा है, कंपनी में एब्सेंट कितने दिन रह रहा है, ये सारी चीज आप लोग यहाँ पर करके देखेंगे। तो ये सारे एडवांस फॉर्मूलाज हैं, आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें, आप लोग पूरा देखें वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी अटेंडेंस शीट बना सके वो, और सैलरी स्लिप बना सके, अपनी कंपनी के अंदर वर्क कर सके वो। तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और आप लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब लो, कमेंट करके बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए ज्यादा समय खराब ना करके आप लोग अपने वीडियो पे बात करते हैं। तो चलिए आप लोग बात करते हैं अपने फॉर्मेट के ऊपर। यहाँ पर अपने पास एक सैलरी स्लिप दिया हुआ है, इसके अंदर मान लीजिए कैंडिडेट 31 दिन के फॉर्मेट में अपने पास कैंडिडेट रहता है। तो जैसे मान लीजिए बंदे ने 9 तारीख को छुट्टी कर ली थी, मैंने यहाँ पे एब्सेंट लगा दिया है, 17 तारीख को बंदे ने छुट्टी कर ली थी, 23 तारीख को छुट्टी कर ली थी, और 29 को छुट्टी कर ली थी, बंदा काफी दिन एब्सेंट रह गया है, और यहाँ पर प्रेजेंट अपन लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ पर अपन लोग फॉर्मेट यूज करेंगे कि अपने पास प्रेजेंट कैसे इस्तेमाल होती है और एब्सेंट कैसे यूज होती है। तो यहाँ प्रेजेंट वाले फॉर्मेट में अपन लोग चलेंगे और यहाँ पर अपन लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा अपने पास इक्वल काउंट इफ, मतलब कंडीशनल एक फॉर्मेट फंक्शंस आप लोग को तैयार करना है। तो देखिए काउंट इफ फंक्शंस का काम क्या होता है, काउंट इफ फंक्शंस का काम होता है कि जिस भी सेल में सेम अल्फाबेट रहेगा उनको आप लोग को काउंट करके बताएगा कि इनके सेलों के अंदर ये अल्फाबेट अपने पास है। तो आप लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर काउंट इफ इक्वल काउंट इफ। अब रेंज देना है कि आप लोग को रेंज कहां से, मैंने बोला है कि आप लोग जो H11 से लेकर अपने पास AL11 तक जो डेटा दिया गया है, A11 से लेकर अपने पास रेंज बता रहा है, आप लोग रेंज दे रहे हैं कि H11 से लेकर AL11 तक जो कॉलम्स के अंदर प्रेजेंट और एब्सेंट दे रखा है, उसमें से अपने पास कॉमा आप लोग बोलेंगे कि मुझे यहां पर P जो लिखा हुआ है उसे काउंट करना है, P जो लिखा हुआ है उसे काउंट करना है। इधर आके देखेंगे आप लोग, सॉरी कॉलन AL, और फिर बोलेंगे कि आप लोग कॉमा
कि जहां पे भी अपने पास पी लिखा हुआ है उन्हें काउंट करके बता दो कि कितने सेलों में ये पी लिखा हुआ है। आप लोग जैसे एंटर करेंगे इस फंक्शन को लगाकर, तो देखिए आप लोग को बताएगा कि 22 अपने पास सेलों के अंदर पी लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए 30 तारीख को भी बंदा नहीं आया, एबसेंट लगा दिया है, तो अपने पास देखिए वो 21 डेज के लिए अपने पास रहेगा कि 21 दिन के लिए वो प्रेजेंट रहा है अपने पास। देखिए संडे कॉलम को लोग काउंट नहीं कर रहे क्योंकि वैल्यू नहीं दे रहे हैं, संडे वाले कॉलम को लोग अलग से रखा है कि वो हॉलीडे के लिए होता है अपने पास। तो यहां पर अपने पास बात करें आप लोग की प्रेजेंट के लिए, तो आप लोग इस प्रकार से प्रेजेंट निकाल सकते हैं। दूसरा आता है कि बंदा एबसेंट कितने दिन रहा है, तो आप लोग एबसेंट भी यूज कर सकते हैं। देखिए एक बंदे का निकाला आप लोगों ने, आप लोग फिल हैंडल पे जाएंगे, डेक एंड डाउन करेंगे, तो आप लोग सभी स्टूडेंट का डेटा काउंट कर सकते हैं कि बंदा कितने दिन प्रेजेंट रहा है और कितने दिन एबसेंट रहा है। सेकंड आता है अपने पास एबसेंट के लिए, अगर आप लोग एबसेंट कॉलम में जाते हैं तो बंदा अटेंडेंस सीट के अंदर जो बात कर रहे हैं कि जहां पर अपने पास ये प्रेजेंट आ रही है, यहां पर अपने पास एबसेंट बंदा कितने दिन रहा है, तो एक बार के लिए फॉर्मूला तैयार करना होगा आप लोग को। तो यहां पर जाते हैं और यहां पर आप लोग इस फॉर्मेट को तैयार करते हैं कि बंदा एबसेंट कितने दिन रहा है। तो मैं यहां पर इक्वल पे क्लिक करूंगा, वही काउंट इफ फंक्शंस लगाऊंगा और फिर मैं यहां पर वही बोलूंगा कि मुझे जो मेरा फर्स्ट कॉलम है कि बंदा जो पहली तारीख से बंदा आ रहा है, इस तारीख से लेकर जो AL11 जो कॉलम है वहां तक कोमा डबल कोटेशन ए डबल कोटेशन कोष्टक 12। तो यहां पर बोल रहे हैं कि अगर AH11 से लेके AL11 तक कॉलम के अंदर अगर आपके पास एब्सेंट ए बंदा एब्सेंट रह रहा है, ए काउंट है, तो उन्हें काउंट करके बताएगी कि कितने दिन के लिए। तो देखिए 21 मतलब 21 दिन के लिए बंदा प्रेजेंट है और 5 दिन के लिए बंदा एब्सेंट है। तो अपने आप अपने पास बाकी के फॉर्मेट के अंदर आप लोग जैसे डबल क्लिक करेंगे फिल हैंडल पे, तो देखिए आप लोग को बता देगा कि प्रेजेंट एब्सेंट 0 है। अगर मान लीजिए बंदा कोई एब्सेंट रह रहा है, मैंने किसी के अंदर एब्सेंट कर दिया है, तो आप लोग को ऑटोमेटिक बता देगा यहां पर कि इस प्रकार से बंदा एब्सेंट रह रहा है। तो जितने दिन के लिए एब्सेंट है उतने दिन के लिए काउंट करके बता देगा कि ये बंदा इतने दिन एब्सेंट है और इतने दिन प्रेजेंट है अपने पास। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट और एब्सेंट वाले फॉर्मेट को काउंट कर सकते हैं। तो दो फॉर्मेट अपने पास हो गए सैलरी पैनल के लिए, प्रेजेंट और एब्सेंट के लिए। फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, बट सेल का ध्यान रखें आप लोग, और यहां पर जो एब्सेंट और प्रेजेंट दे रहे हैं उस चीज का डेटा का ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास आता है टोटल डे ऑफ मंथ, मतलब महीने में दिन कितने होते हैं अपने पास, कि इस महीने के अंदर अटेंडेंस शीट में तो बता रखा है कि जनवरी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं 31 है, बट यहां पर भी आप लोग निकालना चाहते हैं टोटल डे ऑफ मंथ कि महीने में दिन कितने अपने पास है, कि ताकि बंदा प्रेजेंट कितने दिन है, एब्सेंट कितने दिन है और टोटल डेज कितने हैं अपने पास, ताकि अपने पास एक सैलरी तैयार हो पाएगी। तो यहां पर आप लोग फिर से फंक्शंस लगाएंगे। देखिए फंक्शंस बहुत सारे हैं, आप लोग इस्तेमाल करें। मैं यहां पर फिर से एक पर लगा रहा हूं और यहां पर एक फंक्शन अपने पास डे फंक्शन है। हम लोग बोलेंगे कि जो महीने की आखिरी तारीख है, जो मैंने आपको सैलरी पैनल में पीछे का वीडियो नहीं देखा आप लोग एक बार देख लीजिए, ईओ मंथ वाला जो सेल अपने पास होता है कि मंथ की जो आखिरी तारीख निकाली हुई है उस सेल को आप लोग को काउंट करना है। तो एंटर करेंगे तो देखिए आप लोग के पास 31 बताएगा, बट ये फंक्शन अभी रन नहीं कर रहा है अपने पास। देखिए कुछ फॉल्स वैल्यू आप लोग को बताएगा, तो आप लोगों ने जो डे दिया है ये फंक्शन अपना रन नहीं कर रहा है। तो आप लोग इसको रन करवाने के लिए आप लोग यहां पर आकर इस सेल पे आइए और इस आकर आप लोग F4 प्रेस करिए, मतलब आप लोग कॉलम एंड रो को लॉक करेंगे तो आप लोग का प्रॉपर तरीके से कॉलम और रो के अंदर ये फंक्शन रन कर पाएगा। आप लोग डबल क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि महीने की 31 तारीख, मतलब महीना 31 दिन का है अपने पास और 31 दिन में 21 दिन वो अपने पास एबसेंट रहा है, प्रेजेंट रहा है और सॉरी और एबसेंट 5 दिन के लिए रहा है। तो 31 में 21 और 5 अपने पास 26 होते हैं, फिर भी अपने पास वो 4 या 5 दिन अपने पास वो कैसे रहता है। तो यहां पर देख रहे हैं आप लोग कि अपने पास यहां पर 4 संडे अपने पास आ रहे हैं, तो देखिए आप लोग 21, 26 और 31 में अपने पास 4 दिन का एक गैप अपने पास आ रहा है। तो 4 दिन बंदा अभी संडे वाले कॉलम में आप लोगों ने कुछ नहीं डाल रखा, तो 4 दिन बंदा अपने पास है नहीं। तो यहां पर अपने पास आता है टोटल पेबल डे कि बंदा अपने पास जो है वो काम कितने दिन करने आ रहा है अपने पास। भाई एब्सेंट तो 5 दिन रह गया, अब एब्सेंट 5 दिन बंदा है। देखिए मैं थोड़ा सा इस फॉर्मेट को समझाता हूं आपको, थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई आपके सामने। टोटल पेबल डे कि बंदा काम करने कितने दिन आया अपने पास,
तो सबसे पहली बात यह है कि बंदा 21 दिन तो आपके पास प्रेजेंट रहा है, अब 5 दिन आपके पास एब्सेंट रह गया, तो इसको तो काउंट करने की जरूरत नहीं है आप लोग को। बंदे को आना था 31 दिन, 31 में से 5 गए अपने पास, तो अपने पास 26 दिन रहे हैं कि आप लोग कैसे यूज कर पाएंगे इसको, सॉरी। तो इस प्रकार से आप लोग यहां पर क्या करेंगे, बंदा 31 दिन आना था, 5 दिन बंदा एब्सेंट है, 21 दिन अपने पास आए। पर देखिए अपने पास संडे भी अपने कुछ वैल्यू नहीं डाल रखी है, तो कॉलम तो संडे वाले भी अपने पास, तो यहां पर एक फंक्शन लगाएंगे अपन लोग कि संडे भी काउंट हो जाए, क्योंकि कंपनियां क्या होती है संडे को अपन को फ्री पेमेंट देती है कि आप लोग को एक दिन की 7 दिन वर्क करते हैं कंपनी के अंदर, तो एक दिन आप लोग को छुट्टी देती है ताकि आप लोग अपने घर परिवार का वर्क कर सके, अपना पर्सनल वर्क कर सके, ताकि अपना पूरा कंप्लीट जो 7 दिन का पेंडिंग वर्क था अपने घर का वो आप लोग कर सके। तो 7 दिन के अंदर आप लोग को एक छुट्टी देता है, तो छुट्टी का पेमेंट आप लोग को मिलता है। तो यहां पर बंदा टोटल पेबल डे, मतलब आपको पेमेंट लेने वाले डेज कितने हैं आपके पास, कि आप जो सैलरी लेंगे वो कितने दिन की लेंगे, तो यहाँ पर टोटल पेबल डे आप लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए देखिए आप लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल काउंट, यहां पर बोलेंगे काउंट इफ, और बोलेंगे कि जहां पे भी अपने पास अब संडे मंडे यहां से आ रहे हैं अपने पास, तो ये बोलेंगे कि अपने पास जो वार वाले अपने पास कॉलम्स आ रहे हैं, क्योंकि संडे वाले कॉलम में कोई वैल्यू नहीं डाल रही है, अगर डालते होते तो अपन लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते थे। तो अपन लोगों ने बोला है कि जहां पे भी अपने पास काउंट इफ कर दिया अपन लोगों ने, जहां पर भी ये बार लिखे हुए हैं यहां पर अपने पास कोमा एस यू एन, जहां पे भी संडे लिखा हुआ है उन्हें काउंट कर दो, और आप लोग इन्हें लॉक कर दीजिए F4 करके, और यहां पर आकर आप लोग कोष्ठक बंद करेंगे, तो यहां पर अपने पास संडे काउंट होके आ जाएंगे 4 दिन। तो देखिए संडे काउंट होके आ गए। अब मान लीजिए अपने पास बंदा एक दिन भी अपने पास प्रेजेंट नहीं है, मान लेते हैं अपन लोग कि एक दिन भी बंदा प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है बंदा, तो फिर अपने पास क्या रहेगा। हम लोग यहां पर एब्सेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए बंदा एक दिन भी नहीं आया तो फिर क्या करेंगे अपन लोग, अगर एक दिन आ गया तो फिर उसको कितने दिन की सैलरी मिलेगी। तो देखिए बंदा एक दिन भी नहीं आया है और फिर भी उसको सैलरी के लिए टोटल पेबल डे अपने पास 4 दिन के लिए आ रहा है कि 4 संडे का उसको पेमेंट मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बंदा एक दिन भी नहीं आ रहा तो यहां पर 0 होना चाहिए। तो यहां पर देखिए टोटल पेबल डे अभी काउंट करके आप लोग को बता रहा है, तो यहां पर छोटा सा आप लोग को एक फंक्शन इससे पहले लगाना है, तो आप कंडीशनली इस्तेमाल करेंगे इक्वल इफ कोष्टक। आप लोग बोलेंगे कि अगर बंदा अपने पास प्रेजेंट है, अगर बंदा अपने पास प्रेजेंट है या बंदा प्रेजेंट 0 है, अगर बंदा प्रेजेंट है तो 4 दिन अपने काउंट हो जाएंगे, अगर बंदा प्रेजेंट 0 है, एक दिन भी बंदा नहीं आया है, तो उसकी सैलरी का पैनल भी अपने पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब उसका कुछ भी अपने पास सैलरी नहीं जुड़ना चाहिए। कॉमा लगाया, काउंटी फंक्शन लगा दिया, उसके बाद में आप लोग थोड़ा सा बाहर आ जाइए और आप लोग यहां पर कोष्टक लगाइए, और फिर बोलेंगे कि प्लस कि आप लोग के पास अगर एक दिन बंदा एक दिन भी प्रेजेंट रहता है तो आप लोग प्रेजेंट को काउंट कर देना, संडे भी काउंट कर देना आप लोग के पास। तो यहां पर आप लोग एंटर करेंगे तो देखिए आपके पास 25 डेज अपने पास क्या कर रहा है, वो प्रेजेंट रह रहा है। तो आप लोग यहां पर देखेंगे तो एक दिन भी प्रेजेंट नहीं है तो आप लोग के पास 0 आ रहा है। अगर मान लीजिए बंदा एक दिन भी प्रेजेंट रहता है तो 5 दिन की सैलरी मिलेगी, एक दिन प्रेजेंट की और एक दिन अपने पास 4 दिन और संडे की। तो आप लोग ये फॉर्मूला देख लीजिए, आप लोग को बता दूं इक्वल इफ कोष्टक, अगर बंदा प्रेजेंट है, अगर बंदा प्रेजेंट ही 0 है तो बंदे की संडे वाला भी 0 होगा, फिर काउंट इफ कर दिया, वार वाले कॉलम सेलेक्ट कर लिया, कोमा डबल कोटेशन SUN लगा दिया, कोष्टक बंद किया, डबल कोष्टक, दो बार कंडीशन चालू हुई है, प्लस प्रेजेंट प्लस कि संडे में प्रेजेंट जो आया है अपने पास वो प्लस होना चाहिए। तो देखिए बंदे को 25 डेज या 28 या 30 डेज के अपने पास सैलरी उसको मिलेगी। अब बेसिक सैलरी आप लोग कोई भी डाल लीजिए, जैसे मान लीजिए बंदे को मैंने 20,000 रुपए दे दिया, किसी को 18,000 रुपए दे दिया, किसी को 16,000 रुपए सैलरी है, किसी की 14,000 रुपए सैलरी है, आप जो भी सैलरी डालना चाहते हैं वो सैलरी आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, भाई आपके हिसाब से जो भी सैलरी डालना चाहते हैं वो सैलरी यहाँ पर डाल सकते हैं, ताकि जो कंपनी बताएगी कि आप लोग को बंदे की सैलरी हम लोग क्या रख रहे हैं उसके हिसाब से अपने पास ये सैलरी बनके तैयार हो जाएगी। तो आप लोग इस प्रकार से सैलरी बेसिक सैलरी होती है वो कंपनी बताती है, तो आप लोग कंपनी के हिसाब से ये सैलरी नोट कर लीजिए।
इसके बाद में अपन लोग बात करते हैं यहाँ पे पीएफ के बारे में। देखिए पीएफ एक अपना सैलरी में से कटने वाला फंड होता है जो अपन को जब रिटायरमेंट आते हैं बुढ़ापे का सहारा होता है एक तरीके से। अपन लोग बात करें पीएफ की तो वो पीएफ अपन लोग यहाँ पर 5% कटौती कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला फिर से अपन लोग इस्तेमाल करेंगे कि जो बेसिक सैलरी है आपकी, जो बेसिक सैलरी है मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे और बोलेंगे 5%, मतलब आप लोग को 5% सैलरी का पीएफ काटना है। तो एंटर करेंगे तो देखिए 1000 रुपए उसकी सैलरी में से क्या हो जाएंगे, पीएफ कट जाएंगे। देखिए सभी कैंडिडेट की सैलरी में से अपने पास पीएफ कट के तैयार हो जाएगा। अभी बंदा एक भी प्रेजेंट नहीं है तो देखिए उस बंदे की प्रेजेंट वगैरह भी अपने पास, सैलरी वगैरह भी अपने पास तैयार नहीं हो रही है। तो बंदा एक दिन भी अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी सैलरी आप लोग को एक दिन की भी नहीं मिलेगी, संडे की भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे पीएफ भी मैंने तैयार करके बताया है कि आप लोग जो बेसिक सैलरी है मल्टीप्लाई 5% 1% निकालने का तरीका नया बताया आप लोग को, तो आप लोग इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने पास आता है पर डे अमाउंट। देखिए आप लोग को पर डे का अमाउंट कितना मिलेगा कि 20,000 रुपए आपकी सैलरी है और आप लोग 31 दिन कंपनी में काम करने आएंगे, बंदा एक दिन भी छुट्टी नहीं करता है, कितने दिन की सैलरी मिलेगी? तो बंदे को एक दिन की सैलरी क्या मिलेगी? तो यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला लगाइए इक्वल लगाकर कि जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी में आप लोग भाग देंगे 31 का, मतलब आप लोग 31 दिन से उसे भाग संख्या निकालेंगे कि आप लोग 31 दिन अगर आप लोग कंपनी में आ रहे हैं और 20,000 सैलरी है तो आपकी 645 रुपए 16 पैसे आप लोग को पर डे मिलेंगे। मतलब आपकी जो सैलरी है पर डे की वो 645 रुपए है, किसी की 580 रुपए, किसी की 516 रुपए है। तो फॉर्मूला आप लोग को इस्तेमाल करना है कि आप लोग बेसिक सैलरी और टोटल डे ऑफ मंथ, कि आप लोग महीने में कितने दिन आ रहे हैं, इसीलिए आप लोग टोटल डे ऑफ मंथ निकाले, इन्हीं के लिए यूज हो रहा है अपने पास। इसके बाद में अपने पास आता है एचआरए। देखिए एचआरए एक एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा है आप लोग को कि जैसे मान लीजिए कंपनी आप लोग को बोलती है कि 20,000 रुपए आपको सैलरी मिल रही है और आप लोग 20,000 रुपए अपने परिवार के लिए सेव बचाइए ताकि आपके परिवार का खर्चा या बच्चों की फीस का या स्कूल का या आप लोग अपने बाकी के एक्सपेंसेस को इस्तेमाल कर सके। आप लोगों को कंपनी की तरफ से कुछ रेंट रेंट का किराया या फिर आप लोग का विकल्प का किराया या गाड़ी के लिए पेट्रोल के लिए आने जाने का ट्रेवल्स का किराया आप लोग को कंपनी कुछ एक्स्ट्रा पैसा देती है। तो जैसे मान लीजिए एचआरए भी अपने पास 10% काट देते हैं कि एचआरए मिल रहा है सैलरी का 10%, तो आप लोग यहाँ पर इक्वल लगा देंगे बेसिक सैलरी का 10% आप लोग को एचआरए मिल रहा है तो आप लोग 10% लगा लेंगे। आप लोग को पहले भी पीएफ में बताया है, आप लोग इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे तो देखिए 1000 रुपए आप लोग के क्या होंगे, आपको एचआरए एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाए। 20,000 रुपए से एक्स्ट्रा 2,000 रुपए आप लोग को मिलेगा ताकि आपका पर्सनली जो एक्सपेंसेस होता है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, अलग से निकाल सकते हैं। इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है टोटल अमाउंट कि देखिए आपको एचआरए कट चुका है, बेसिक सैलरी हो गई आप लोग की, आप लोग का पीएफ कट चुका है, पर डे अमाउंट अपने पास आ गया है कि आप लोग के पास टोटल अमाउंट कितना बनेगा। तो यहां पर आप लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे कि जो पर डे अमाउंट मिल रहा है आप लोग को, पर डे अमाउंट कितना मिल रहा है आप लोग को, 645 रुपए। अब आप लोग कंपनी में काम कितने दिन करने आए हैं, मतलब आप लोग काम तो कंपनी के अंदर करने आए हैं 25 दिन, तो 25 दिन की आप लोग को सैलरी मिलेगी, 25 दिन की आप लोग को क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। तो आप लोग एंटर करेंगे तो ये बताएगा कि 16,129 रुपए आपकी सैलरी के बेस पे आप लोग को ये पेमेंट मिलेगा। तो यहां पर आप लोग यूज कर सकते हैं कि जो पर डे अमाउंट है अपना, पर डे अमाउंट मल्टीप्लाई करना है आप लोग को टोटल डे ऑफ मंथ है, तो आप लोग पर डे अमाउंट से टोटल डे ऑफ मंथ को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास एक अमाउंट निकल के आएगा 16,129 रुपए। मतलब बंदा अगर एबसेंट है तो फिर एबसेंट के हिसाब से, अगर प्रेजेंट है टोटल कि एक भी दिन एबसेंट नहीं रहा है तो उसकी सैलरी कंप्लीट उस बंदे को पूरी मिलेगी। और देखिए यहाँ पे बता रहा है कि बंदा एक दिन भी प्रेजेंट नहीं है तो उसकी सैलरी यहाँ से कट चुकी है, 0 है। अगर मान लीजिए एक दिन भी प्रेजेंट रहता है तो देखिए उसको 1935 रुपए उसको मिलेंगे वो सैलरी के रूप में, मतलब आप लोग को जो 5 दिन वो बंदा आएगा उस 5 दिन के हिसाब से उसको सैलरी मिलेगी। अब इन हैंड सैलरी कि बंदा अपने हाथ में सैलरी कितनी लेके जाएगी कि टोटल अमाउंट ये हो गया और उसका पीएफ भी कटा है, एचआरए उसको एक्स्ट्रा मिला है, ये पेमेंट जुड़कर अपने पास क्या रहा है अमाउंट। तो आप लोग बात करते हैं यहां पर इक्वल टोटल अमाउंट प्लस एचआरए माइनस पीएफ, कि पीएफ हमेशा माइनस होगा, एचआरए आपका प्लस होगा। और मैंने एंटर किया तो देखिए अमाउंट आ रहा है
17,129 रुपए उस बंदे को मिलेंगे। पर देखिए यहां पर अपने पास यहां पर 2535 रुपए आ रहा है, बंदा एक दिन भी प्रेजेंट नहीं है और उसको सैलरी का कोई हक नहीं है, 600 रुपए फिर से वो अपने पास से प्राप्त कर रहा है। तो 600 रुपए किस बात की प्राप्त कर रहा है, वो चीज आप लोग बात करेंगे कि 600 रुपए उसको नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए आप लोग यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला इस कंडीशन में और लगाएंगे, आप लोग यहाँ पर लगाएंगे इक्वल इफ कोस्टक, अगर बंदे की प्रेजेंट जीरो है, बंदे की प्रेजेंट जीरो है तो सैलरी भी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। बाकी अपने पास नेक्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे आएगा, कोस्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे, अपनी सैलरी जुड़ के आ जाएगी, डबल क्लिक करेंगे फिल हैंडल पे तो देखिए आप लोग की सैलरी भी जीरो आ जाएगी। तो इसी प्रकार से आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं कि अगर प्रेजेंट आपकी जीरो है तो आप लोग की सैलरी भी जीरो होगी, और अगर आप लोग प्रेजेंट में एचआरए प्लस कर देंगे और माइनस करेंगे पीएफ तो अपने पास एक बेसिक जो बंदे की सैलरी होगी वो इस प्रकार से होगी, और इस प्रकार से आपके पास एक सैलरी पैनल तैयार होकर आपके सामने आ जाएगा। तमाम फंक्शंस का प्रयोग करके एक सैलरी फॉर्मेट तैयार किया गया है, तो आप लोग इस सैलरी फॉर्मेट को कंप्लीट देखें। तो देखिए इसमें बहुत सारे फंक्शंस इस्तेमाल किए गए हैं, आप लोग को बता दूं ये फुल डायनेमिक तैयार हो रही है, इसमें आप लोग को बार बार करने की जरूरत नहीं है, पूरे 12 महीने की अटेंडेंस शीट आप लोग तैयार करेंगे, एक बार बनाना पड़ेगा, आप लोग का कंप्लीट रिकॉर्ड भी सेव रहेगा। आप लोग इस सैलरी शीट को, अटेंडेंस शीट को इस्तेमाल कर सकते हैं जहां भी आप लोग इस्तेमाल करें कंपनी के अंदर, चाहे उसमें 10 एम्प्लॉइज हो, चाहे अपने पास 10,000 एम्प्लॉइज हो, चाहे लाख एम्प्लॉइज अपने पास होते हैं, तो आप लोग को एक बार वर्क करना होगा, बार बार वर्क करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग को एब्सेंट लगाने की जरूरत होती है, आप लोग को सैलरी भी बन के तैयार मिलेगी। आप लोग सैलरी ऑटोमेटिक तैयार, डायनेमिक तैयार होती है, आप बंदे को पेमेंट निकाल कर दे दीजिए, बंदे का आप लोग वर्क करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोग को इस वीडियो को शेयर करें, और इससे पहले वीडियो आप लोग को बताया गया है कि अटेंडेंस शीट वीडियो आप लोग जरूर देखें, अटेंडेंस शीट के बिना आप लोग की सैलरी फॉर्मेट तैयार नहीं होगा, बिना सैलरी के आप लोग, बिना अटेंडेंस शीट के आप लोग सैलरी तैयार नहीं कर सकते हैं। तो ये सैलरी पैनल आप लोग को कैसा लगा है, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग मुझे